जीएचक्यू रावलपिंडी पर धावा बोलने में कमल शोसिप का किरदार, पीटीआई की खवातीन की तहलका खेस मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साबिक एमपीए फरा ने पीटीआई की दिगर खवातीन से गुफ्तगू में कहा कि अब जीएचक्यू पहुंचना है, फैजाबाद पर आदमी जा रहे हैं। मैम, कमल ने कहा है कि जीएचक्यू की तरफ आना है, फैजाबाद में राशिद हफीज, शफीक और समाविया हैं, पुलिस और लड़कों की लड़ाई हो रही है। वतन के शहीदों से एकजहती का कन्वेंशन, शहदा की माएं सानहा नौमई पर जारो कतार रोने लगीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ शहदा की माओं को दिलासा देते हुए खुद भी आपदीदा हो गए। वजीर आजम कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब में शरीक शहदा की माओं के पास उनकी निशस्तों पर पहुंचे। वफाकी वजरा मरियम औरंगजेब और हसन इकबाल ने भी शहदा की माओं को दिलासा दिया। 19 करोड़ पाउंड करप्शन केस के मास्टरमाइंड फैज हमीद हैं। शहजाद अकबर और दीगर को फैज हमीद ने बैरून मुल्क फरार करवाया। फैसल वावडा का दावा, बोले ये तो छोटा सा केस है, अभी बहुत से जुर्म सामने आएंगे। जो काम सदर मुमलिकत ने इमरान खान के साथ किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। पीटीआई पाबंदी से ज्यादा वाले काम कर चुकी, जो हुआ उसमें पाकिस्तान का नुकसान हुआ। साबिक वफाकी वजीर ने नैब ऑफिस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब ने काबीना मीटिंग के मिनट्स मांग लिए। पीटीआई रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी, तरीन ग्रुप मुतहर्रिक। जहांगीर तरीन ने लाहौर में सियासी दफ्तर कायम कर लिया। तरीन से पीटीआई के बाद रहनुमाओं की मुलाकातें, गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जहांगीर तरीन से 20 से ज्यादा अहम सियासी शख्सियात मुलाकातें कर चुकी। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तजवीज़ पर भी गौर। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में फहरिस्त तवील होने लगी। साबिक रुकन असम्बली सलीम लाखर का पीटीआई छोड़ने का ऐलान, बोले नौमई के वाकयात काबिल मजम्मत हैं, वो पाक फौज के साथ खड़े हैं। डीआई खान से मलिक कयूम हस्साम ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। मलिक कयूम हस्साम का आज़ाद हैसियत में अली अमीन गंगापुर के मुकाबले इलेक्शन लड़ने का ऐलान। स्वात से साबिक एमएनए डॉक्टर हैदर अली ने पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लिया। सिंध से भी आज मजीद अरकान असम्बली का पीटीआई से लातालुकी का ऐलान मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज श्री मजारी, फैयाजुल हसन चौहान और दीगर रहनुमा पीटीआई को खैर बात कह चुके। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक एमएनए उस्मान तरकई पीपल्स पार्टी में शामिल। वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी कहते हैं उस्मान तरकई को पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इमरान खान को अपनी अहलिया की फिक्र है, कारकुनों की नहीं। इमरान खान ने आवाम को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं किया। नौमई के वाकयात की जितनी मजम्मत की जाए कम। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी तो सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन में कालेदम कर देगी। वकील अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि जमात इस्लामी पर पाबंदी के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि तोड़फोड़ इनफरादी फेल होता है, इस बिना पर सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लग सकती। दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने वाली जमात से मुतालिक मुख्तलिफ कवानीन हैं। जेल से रिहाई पाने वालों को दोबारा गिरफ्तार करना कानून शिकनी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीआई रहनुमा असद उमर को रिहा करने का हुक्म, गिरफ्तारी का अलदम करार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की असद उमर के दो ट्वीट्स भी डिलीट कराने की हिदायत। रिमार्क सीए असद उमर बयान हल्फी जमा कराएं, खिलाफ वर्जी हुई तो फिर सियासी करियर भूल जाएं। असद उमर के वकील बाबर अवान से मुकालमा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक वो आपको नहीं छोड़ेंगे। बाबर अवान ने जवाब दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे, ट्वीट्स डिलीट कर देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बाबर अवान बोले, पार्टी छोड़ने वाले डेपुटेशन पर आए थे जो वापस रिपोर्ट कर रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा 15 दिन के लिए नजरबंद। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दो मुकदमात हैं, 6 पुराने केसेस हैं, अभी वो कहाँ हैं मालूम नहीं। पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दी। शाह महमूद कुरैशी किस मुकदमे में गिरफ्तार हैं, अदालत ने वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया। पुलिस ने असद कैसर के खिलाफ दर्ज 7 मुकदमात का रिकॉर्ड भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दिया। हुकूमत की नहीं अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं, बहुत सी कुर्बानियां देकर यहाँ बैठे हैं। हमारे दरवाजे पर और ऐवान में भी सख्त गुफ्तगू ना किया करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में रिमार्क्स,
कहा कि हमारी हर चीज दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। पुलिस ने इमरान खान के लिए मर्सिडीज मंगवाई, इस बात को क्या से क्या बना दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाक ने एक सूबे में इंतखाबात के इनेकाद पर कौमी असम्बली का इलेक्शन मुतासर होने का नुकता उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा आपको घबराना नहीं चाहिए, कोई माकूल नुकता उठाएं तो जायजा लेकर फैसला करेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई एमएनएस के इस्तीफों से मुतल्लिक दरखास्त पर तफसीली फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 25 सफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफों से मुतल्लिक इंक्वायरी मुकम्मल करें, कोई रुकन इंक्वायरी मुकम्मल होने से कबल इस्तीफा वापस लेना चाहे तो ले सकता है। सेक्रेटरी कौमी असम्बली तमाम अराकीन की असम्बली में बैठने के इकदाम करें। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन को तहकीक तलब मुबैना ऑडियोज फराहम कर दी। ऑडियोज के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी मजाज अफसर के दस्तखत के साथ जमा करा दिया गया। मजमूई तौर पर 8 ऑडियोज कमीशन को जमा कराई गई। ऑडियोज में मौजूद अफराद के नाम, ओहदे और दस्तयाब राबता नंबर शामिल। फहरिस्त में परवेज इलाही, तारिक रहीम, आबिद जुबैरी के नाम शामिल। साकिब निसार, क्यूम सदीकी, इमरान खान, जमशेद चीमा के नाम फहरिस्त का हिस्सा। माहजमी नून, राफिया तारिक, नजम साके, पबूतर मकसूद के नाम शामिल। फहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज का नाम भी शामिल किया गया। वज़ीर इत्तला'आत सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इमरान खान बड़े सियासी लीडर नहीं, तहरीक इंसाफ वही लोग छोड़ रहे हैं जो सियासी वर्कर नहीं थे। इमरान खान ने 3.5 साल इक्तदार में अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अलकादे ट्रस्ट केस सजा के लिए काफी है। शौकत खानम अस्पताल में दवाओं की खरीदारी की तहकीकात कराई जाए। पाकिस्तान में सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। कानून का इतलाक सब पर होना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरी इकदार, आज़ादी इजहार राय और कानून के हुक्मरानी चाहते हैं। किसी सियासी जमात या उम्मीदवार पर कोई पोजिशन नहीं। अमरीका का पाकिस्तान में तेल और गैस की तनसीबात पर दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस। पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। रावलपिंडी में निजी तालीमी इदारों का मरी रोड पर मार्च, फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार। मुल्तान में तालीमी बोर्ड के जेर तमाम एहतजाज में शुरका कशर पसंदों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। हारूनाबाद, मरीद के अलीपुर चट्ठा में भी ताजिर बरादरी और शहरियों ने पाक फौज के हक में रैली निकाली। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मेयर कराची का इलेक्शन 15 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 15 जून को सिंध भर में बल्दियाती काउंसिल्स के मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इंतखाबात होंगे। मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी 9 से 10 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। हैदराबाद, लड़काना, सखर, मीरपुर खास, बेनजीराबाद में भी मेयर्स का इलेक्शन होगा। मुफ्ताटा स्कीम में मुबैना करप्शन, नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब के अलावा दीगर सूबों में भी आटा स्कीम शुरू की गई थी। रमजान मुबारक में मुफ्त आटा स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद को आटे के थैले दिए गए थे। दूसरी जाने पिशावर में आटे के 80 किलो की बोरी 2000 रुपए और 20 किलो का थैला 700 रुपए तक सस्ता हो गया। कीमतों में कमी के बावजूद नान भाइयों ने रोटी सस्ती करने से साफ इनकार कर दिया। नेप्रा ने बिजली की कीमतों में 1.25 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। सार्फीन से 40 अरब रुपये इजाफी वसूल किए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। मुआशी बहरान और बढ़ती हुई आबादी के असरात। पाकिस्तान में 1 करोड़ घरों की कमी, 47% लोग कच्ची आबादियों में रहने पर मजबूर। कम आमदनी वाले 94% फैमिलीज घर बनाने की इस्तेमाल नहीं रखती। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। दस्तावेज के मुताबिक आबादी का 44% हिस्सा गुर्बत की लकीर से नीचे रहने पर मजबूर है। 25% आबादियों में खुराक समेत अशिया जरूरिया मुयसर नहीं। महंगाई के असरात में कमी के लिए काबिल टैक्स आमदनी की हद 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए की जाए। मल्टाई नेशनल कॉरपोरेशन का काबिल टैक्स आमदनी का हजम दुगना करने का मुतालबा। बजट सिफारिशात में कहा डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, वकला, प्राइवेट टीचर्स और सैलॉन्स को भी टैक्स नेट में लाया जाए।
तनख्वाहदार तबके से 35% टैक्स लेना कॉरपोरेट सेक्टर से भी ज्यादा है, जिसे कम किया जाए। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट एंड मैनेजमेंट कंपनी में माली बेजाब्तियों का इंकशाफ। अफसरों और मुलाजमों ने कंपनी को 50 अरब रुपए का टीका लगा दिया। ऑडिट रिपोर्ट में भांडा फूट दिया। कस्टम छूट की मद में 7 अरब रुपए की करप्शन। प्लॉट की खरीदो फरोख में 3 अरब रुपए के घपले। अराजी की खरीदारी में 6 अरब 80 करोड़ रुपए हड़प कर लिए गए। फेट में अफसरों ने इल्जाम मुस्तरद कर दिए। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों की समीर निगरान वजीर आला को इस साल 6 जून से 20 अगस्त तक छुट्टियां दिए जाने का इम्कान। हतमी फैसला मौसम नकवी करेंगे। मौसम ने ली अंगड़ाई, गर्मी में नरमी आई, बारिशों का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल, कहीं बादल तो कहीं रिमझिम, सिलसिला 24 मई तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर और फैसलाबाद में आंधी, जैकबाबाद गनकोट और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, झलमक सी डेरा बुगटी पिशावर कोहाट मियांवाली और फैसलाबाद में भी बादल बरस पड़े। और दुनिया की बुलंदतरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तानी कोपेमा असद अली मेमन को रेस्क्यू कर लिया गया। असद अली माउंट एवरेस्ट से वापसी पर जख्मी होकर फंस गए थे। असद अली ने पाकिस्तानी सफारतखाना नेपाल से मदद की अपील की थी।